जंगल में वनांचली कबीले के बीच बैठा वीर सिंह फूलों के मिल जाने के बारे में जानकर काफी खुश हो गया। वो हैरानी से वहां बैठे लोगों को देख रहा था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी उस कबीले का मुखिया आगे आते हुए बोला, जी मान्यवर, सही सुना आपने, वो फूल अब भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन इस कबीले का एक उसूल है। इस कबीले से अगर कोई व्यक्ति एक छोटी सी भी चीज को बाहर ले जाना चाहे तो उसे एक परीक्षा देनी पड़ती है। ये सुनकर वीर सिंह एक बार फिर से थोड़ा गंभीर हो गया। वो तुरंत ही अपनी भावनाएं काबू करते हुए बोला, कैसी परीक्षा मुखिया जी? तब वो मुखिया वीर सिंह को उर्वरा देवी की प्रतिमा के सामने ले गया और फिर देवी को नमन करते हुए बोला, ये उर्वरा देवी है। हजारों सालों पहले इन्हें पूजा जाता था क्योंकि पहले ये धरा ही मानव के लिए सब कुछ थी। आज इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि आप ये पुष्प बाहर ले जाए और बाहरी दुनिया इसकी सुंदरता को देखकर जंगल तक आ पहुंचे, क्योंकि मानव की हमेशा आदत रही है कि किसी भी चीज की सुंदरता को वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए खराब कर सकता है। उर्वरा देवी हमें प्रकृति को सुरक्षित रखने की शक्ति देती है। आपकी परीक्षा इतनी है कि आपको इस कबीले के किसी भी व्यक्ति को द्वंद कला में पराजित करना होगा। आप जीत गए तो ये मान लिया जाएगा कि आपके मन में हमारे जितना ही प्रकृति प्रेम है, क्योंकि एक वनांचली ही दूसरे वनांचली को हरा सकता है। वीर सिंह ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सहम गया, लेकिन वो मुखिया से बोला, मुखिया जी, जीवन में पहली बार किसी के मन में प्रकृति के लिए इतना प्रेम देखा है। मुझे वो पुष्प किसी भी हाल में चाहिए, चाहे अब भले ही मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, मैं वो पुष्प लेकर ही जाऊंगा। ये सुनते ही मुखिया बोला, उत्तम, तो आइए चुन लीजिए अपना प्रतिद्वंदी। ये कहते हुए वो दोनों उस छोटे से गांव के बीच बने एक खेल के मैदान तक पहुंच गए, जहां पहले से ही वीर सिंह की उम्र के कई लोग मौजूद थे। मन ही मन सहमा वीर सिंह अपने आप से बोला, वीर सिंह, तुझे जीतना ही होगा, अगर वो फूल ना मिला तो पिताजी। ये कहते हुए वीर सिंह अचानक रुक गया। थोड़ी देर में वीर सिंह और उसका प्रतिद्वंदी दोनों खेल के मैदान के बीच बनाए गए चक्र के बीच खड़े थे। आसपास खड़े लोग अपने व्यक्ति के नाम के नारे लगा रहे थे। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि कोई भी वनांचली वस्तु कबीले के बाहर जाए। सारी तैयारियां हो जाने के बाद मुखिया बोला, खेल साफ है, लड़ाई के अंत तक जो लड़ने की हालत में ना रहा वो हार जाएगा, और यदि मान्यवर आप हारे तो अफसोस कि आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ये सुनकर वीर सिंह थोड़ा और डर गया। सारे नियम समझाने के बाद लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी एक बूढ़ा आदमी, जो कि काफी ज्यादा ही बूढ़ा था, आगे आया और मुखिया की ओर देखकर किसी अजीब भाषा में चिल्लाया, जो वीर सिंह तो बिल्कुल नहीं समझ पाया, लेकिन भाव से तो यही लग रहा था कि वो लड़ाई रोकने को कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ चेतन के द्वारा कालदूत की याद का सफर जारी था। जैसे ही आचार्य ने समूह की बात कही तो चेतन तुरंत राजा के बगल में जाकर खड़ा हो गया और सभी लोगों को सामने से देखने लगा। एक-एक आचार्य आगे आए और अरुणोदय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, ये है अरुणोदय सिंह, कई तंत्र विद्याओं में निपुण है, लेकिन इनकी खासियत है कि आत्माओं को कैद करके उनका उचित निस्तारण कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने वेदानंद को आगे बुलाया और बोले, ये वेदानंद है जिनका खास गुण आत्माओं को कैद करने से पहले उन्हें वश में करना और उनसे मनचाहा काम करवाना है। ये चाहते हैं कि इनकी ये विद्या इनके पोते पारस को मिले। ये कहते हुए उन्होंने अपने दादाजी के पीछे छिपे पारस के सिर पर हाथ फेरा। जैसे चेतन ने आचार्य का ये तथ्य सुना, उनका दिमाग सन्न पड़ गया और वो मन ही मन बोला, ओह, तो खूनी वधु की समस्या का हल हमारे सामने है, लेकिन हमें पता तक नहीं था। लेकिन एक मिनट, जब पारस जानता था कि हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, फिर भी वो मदद के लिए आगे नहीं आया, आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? और अगर पारस यहाँ है तो इसका मतलब जितनी उम्र पारस की अभी नजर आती है वो उससे कई ज्यादा उम्र का है, पिताजी से भी बड़ा, लेकिन कैसे? उधर आचार्य महेंद्र का परिचय करवाते हुए बोले,
ये है महेंद्र, अरुणोदय के पुत्र। ये अभी सीख रहे हैं, लेकिन कई तरह की तंत्र विद्या जानते हैं। और फिर आखिरी में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोले, और आखिर में खड़े हैं अभिराज, जो सम्मोहन तंत्र जानते हैं। तो लीजिए सम्राट, ये है हमारे साम्राज्य का रक्षक कुल। ये सुनते ही सम्राट खुश हो गया और बोला, वाह आचार्य, उत्तम कार्य किया है आपने। मुझे लगता है ये समूह इन सारी समस्याओं का अंत कर देगा, क्योंकि सैनिक तो असफल ही रहे हैं। एकाएक सम्राट तुरंत अपने एक सेवक को बोला, सेवक तुरंत ही वो चित्रकारी का विदेशी यंत्र बुलवाया जाए। इस समूह की तस्वीर हमें हमारे महल में चाहिए। इसके बाद राजदरबार में काफी देर तक आगे की योजना पर बातचीत चलती रही। तब तक छवि निर्माण यंत्र भी बुला लिया गया, जो कि मॉडर्न डे कैमरे का पूर्ववर्ती रूप था। उसे काले कपड़े से ढककर प्रयोग किया जाता था। एक के बाद एक कई तस्वीरें ली गई, जिसमें एक तस्वीर वही थी जो चेतन ने पारस के घर पर देखी थी। अब चेतन के सामने पूरी कहानी साफ हो गई। ये सोचकर चेतन मुस्कुराते हुए बोला, हो तो वो तस्वीर यहाँ ली गई थी, और जो दो चेहरे में पहचान नहीं पाया था वो जरूर दद्दा जी और महेंद्र दादा जी के होंगे। मुझे यकीन है यही तस्वीर चित्रलेखा किताब में भी दिखाई होगी। ये सोचते हुए चेतन टहलते टहलते राज दरबार के बाहर आ गया, जहाँ एक तरफ चेतन के मन की सारी शंकाएं दूर हो चुकी थी, वहीं शेखन फूलपुर के उस धर्मशाला वाले कमरे में बैठा किताब की उलझनों में उलझा हुआ था। वह हर किताब के आखिरी पृष्ठ पर बनी तरह तरह की आकृतियां देखकर कंफ्यूज हो रहा था। वो काफी देर तक आकृतियों में दिमाग लगाता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। तब वो उन किताबों को बगल में रखते हुए बोला, अब तो मुझे पूरा यकीन होने लगा है कि अभिराज ही अजरनाथ बन गया होगा, लेकिन कैसे और किताबों पर ये आकृतियां क्या है? सोचते हुए वो अभी पलंग पर लेटा ही था कि अचानक दरवाजे पर तेज तेज दस्तक होने लगी। वो इस आवाज को सुनकर अचानक चौंक गया और फिर बोला, अरे भाई कौन है, रुको खोलता हूँ। कहते हुए जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो दो चार आदमी कमरे में घुस गए, जो काफी गुस्से में थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, ए लड़के चल अभी के अभी कमरा खाली कर। सुनते शेखरन हैरान हो गया। वो तुरंत बोला, लेकिन भाई साहब हुआ क्या, मैं तो किराया दे रहा हूँ ना। तभी दूसरे आदमी ने कहा, वो सब हमें नहीं पता, सामान उठा और बाहर आ, फिर ही बात होगी। शेखरन ने थोड़ा घबराते हुए सारा सामान उठा लिया, और जब धर्मशाला से बाहर आया तो पाया कई लोग बाहर खड़े थे, जो नहीं चाहते थे कि शेखरन वहां रहे। उन लोगों में सरपंच जी भी थे। वो आगे आते हुए बोले, ए लड़के कौन है तू और कहां से आया है? आसपास के लोगों ने तुझ पर संदिग्ध होने का आरोप लगाया है, अब तू यहाँ नहीं रह सकता। सुनकर शेखरन चिंता भरी आवाज में बोला, मैं तो यहाँ किसी को ढूंढने आया था, धर्मशाला में इस बात की जानकारी भी दी थी। तभी धर्मशाला के सामने दुकान चलाने वाला एक आदमी बोला, सरपंच जी मुझे तो ये कोई चोर लुटेरा लगता है, कमरे के भीतर घुसकर क्या ढूंढ रहा है ये दो तीन दिनों से, पहले ही गांव में परेशानियां कम नहीं है, आप उसे यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। वहाँ इस बात पर काफी देर तक बहस चलती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया, और आखिर में यही तय हुआ कि शेखरन वहाँ नहीं रह सकता। अपना सामान लिए गांव से बाहर की ओर जाता शेखरन थोड़ा टेंशन में आ गया और खुद से बोला, अजीब लोग हैं, कमरे में रहना भी क्या संदिग्ध होने की श्रेणी में आता है, लेकिन अब क्या करूं, ये गांव ही मेरे सारे सवालों का जवाब देगा। मुझे कोई और तरकीब लगानी होगी जिससे कि मैं यहाँ लौट सकूं। ये कहते हुए शेखरन वहां से जाने लगा। वहीं दूसरी ओर जंगल में वीर सिंह के साथ वनांचलि कबीले का होने वाला द्वंद रुक गया। तभी मुखिया तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे बात करने लगा। वो दोनों अपनी ही अलग भाषा में बहस किए जा रहे थे और बाकी लोग उनकी बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर बहस चलती रही और वीर सिंह उन लोगों की बात खत्म होने का इंतजार करता रहा।
बातचीत खत्म होते ही मुखिया वीर सिंह के करीब आया और मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेकर बोला, माननीय वीर सिंह जी, अब ये द्वंद नहीं होगा। जैसे ही वीर सिंह ने शब्द सुने वो सहम गया और घबराई सी आवाज में बोला, इसका मतलब मैं वो फूल नहीं ले जा पाऊंगा। तब मुखिया ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि हमारे गुरुजी ने इस द्वंद को रोकने को कहा है और ये तुम्हारे मन में सच्चाई नजर आई है, क्योंकि पिता के लिए हिम्मत करके यहाँ तक चले आना बड़ी बात है। इसलिए गुरुजी का मानना है कि इस द्वंद का कोई औचित्य नहीं बनता, आप वो कूल ले जा सकते हैं। ये सुनते ही वीर सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो वहीं मुखिया के कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं जानते कि आपने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। तब मुखिया उसे उठाते हुए बोले, अरे अब जब सब कुछ आपके हित में है तो फिर चिंता कैसी, आइए आपको फूल दिखाता हूँ। ये कहते हुए दोनों जलाशय के करीब पहुंच गए। वहां दिन के समय आसपास की सुंदरता को देखकर वीर सिंह हतप्रभ रह गया और मन ही मन बोला, यह कमाल की जगह है, रात को तो इतना पता नहीं चल सका। वो ये कह ही रहा था कि तभी मुखिया वीर सिंह को जलाशय के करीब लगे पुष्पों को दिखाते हुए बोला, लीजिए मान्यवर, वो रहे पुष्प। उन पुष्पों को देखकर वीर सिंह का मन प्रफुल्लित हो गया, वो धीरे से बड़बड़ाया, हूबहू वैसा ही जैसा पारस जी ने बताया था। वीर सिंह की खुशी अलग ही स्तर की थी। तभी अचानक वीर सिंह उन फूलों को देखकर बोला, एक बात बताइए, अगर ये पुष्प अगले कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं तो बाहर की दुनिया में इसके पूर्णिमा पर उगने और मुरझा जाने की खबर कैसे फैली है। तब मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हम ही नहीं चाहते कि किसी को कानो कान इस बात की खबर मिले, इसलिए झूठी कहानियां ही यहाँ से बाहर गई है। सारी बातें जान लेने के बाद वीर सिंह को कबीले ने फूल देखकर विदा कर दिया। वीर सिंह एक बार फिर जंगल के रास्ते पर था। उधर चेतन ने कालदूत की याद से बाहर आने के लिए कालदूत से कहा, कालदूत, मैं सारी कहानी समझ गया हूँ, अब तो मुझे वापस बुला लो। तब कालदूत ने कहा, पक्का है अभी भी कुछ बाकी है? तब चेतन ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं जानना, बस आखिरी एक बात रह गई कि आखिर उस अभिराज नाम के आदमी का क्या हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में जानना इतना जरूरी है। जल्दी करो, मुझे कुछ दूसरे काम भी करने हैं। जैसे ही चेतन ने वापस आने को कहा तो कालदूत ने तुरंत उसके माथे से अपनी उंगलियों को हटा लिया। अचानक चेतन की आंखें खुली तो वो तुरंत ही लकड़ी के सहारे उठते हुए बोला, थैंक्स कालदू, जिस चीज की तलाश थी वो मुझे मिल गई है, अब हम आसानी से खूनी वधु को कैद कर सकेंगे। इतना कहते हुए वो सीधे सीढ़ियों तक गया और आवाज लगाते हुए बोला, माही, चांदनी और काका जी, मेरे कमरे में आओ। जैसे ही आवाज माही ने सुनी तो वो मन ही मन बोली, पता नहीं अब क्या हो गया। उधर से चांदनी भी माही के पास आते हुए बोली, क्यों माही, क्या हुआ, चेतन क्यों बुला रहा है, सब ठीक तो है ना। इसके बाद वो दोनों मार्तंड जी को लेते हुए चेतन के कमरे में पहुंच गए, लेकिन काशी जी के पास बैठा पारस इस तरह उसके जाने से मन ही मन थोड़ा चिंतित होते हुए बोला, पता नहीं आखिर चल क्या रहा है इन लोगों का, चुपके से पता करता हूँ। ये सोचकर पारस काशी को छोड़कर भी उन लोगों के पीछे चला गया। इधर कालदूत समेत कमरे के सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। तभी मार्तंड जी बोले, बात क्या है चेतन, आखिर इस तरह से क्यों बुलाया। मार्तंड जी के साथ माही और चांदनी के चेहरे पर भी प्रश्न चिन्ह खींचा हुआ था। तब चेतन ने उन सभी की बात सुनकर इस सवाल के जवाब में कहा, मैंने आप सबको ये बताने के लिए बुलाया है कि मुझे खूनी वधू को पकड़ने का तरीका मिल चुका है, जो कि मेरे आसपास है। वो हमारी नजर के सामने ही था लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी चांदनी बोली, मतलब क्या है, वो तरीका जो हमारे सामने है। इस सवाल के जवाब में चेतन ने दोबारा चांदनी से सवाल किया, पहले ये बताओ चांदनी, मैंने तुम्हें कोई काम दिया था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला है। ये सुनते ही वो कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते बोली, हाँ कुछ चीजें अजीब सी थी लेकिन इतनी अजीब नहीं कि उसे संदिग्ध मान ले।
जैसे ही चेतन ने सुना तो वो मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, वेल प्लेड। एक-एक माँ ही बोली, मतलब? तब चेतन ने मुस्कुराते हुए चांदनी की ओर देखा और फिर बोला, मतलब यही कि चांदनी जो संदिग्ध है वही हमारा हथियार भी है। ये सुनते ही चांदनी चौंक गई, लेकिन मातंडे जी और माही बिल्कुल शांत और कंफ्यूज थे। तभी चांदनी चौंकते हुए बोली, तो क्या इसका मतलब? जैसे ही चांदनी ने बोलने की कोशिश की तो चेतन ने दौड़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आखिर इस तरह चेतन का चांदनी को चुप कराने का क्या मतलब था? दूसरी तरफ क्या शेखरन दोबारा फूलपुर में प्रवेश कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।